हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम प्रीमियर प्रो के अंदर टूल बॉक्स के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हमने प्रीमियर प्रो फॉर बिगिनर कोर्स को लॉन्च कर दिया है और यह उसकी 8th क्लास है। तो अगर आपने इसके पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उन क्लासेस को देख कर आएं, देन फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम हमारी फाइल्स को इम्पोर्ट कर लेते हैं। नाउ फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लिप को टाइमलाइन पर लाने के लिए पहले हम उसे सोर्स मॉनिटर में ले जाएंगे और हमारा जो डिजायर्ड पार्ट है हम उसे ट्रिम कर लेंगे। मैं यहाँ पे आई और ओ की मदद से अपने इन पॉइंट और आउट पॉइंट को बनाऊंगा। नाउ हमने लास्ट क्लास में ये सीख लिया था कि किसी भी वीडियो का सिर्फ ऑडियो पार्ट और वीडियो पार्ट हम टाइमलाइन पर कैसे ला सकते हैं, लेकिन हमने यह नहीं सीखा था कि अगर हम सोर्स मॉनिटर के अंदर अपने वीडियो के विजुअल की जगह ऑडियो का विजुअल लेना चाहें तो वो कैसे होगा। तो हम यहाँ पर सिंपली आकर इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और आप देख पाओगे कि हमारे सोर्स मॉनिटर के अंदर अब जो हमारे उस वीडियो का ऑडियो है वो वाला पार्ट शो हो रहा है। तो अगर आपको कभी किसी ऑडियो को ट्रिम करना हो तो आप इस तरह से उसे ट्रिम कर सकते हैं। तो हम हमारी वीडियो पे वापस आते हैं और हम इसे ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे ले आते हैं। अब टाइमलाइन के जस्ट पास में जो ये पैनल है ये हमारा टूल बॉक्स कहलाता है। इसके अंदर अलग अलग टूल्स हैं जिनकी मदद से हम हमारी एडिटिंग करते हैं। अब टूल बॉक्स में आप ये देख पाओगे कि कुछ स्पेसिफिक टूल्स के नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल इंडिकेट करता है कि इस टूल के साथ में भी कुछ और टूल्स ग्रुप्ड हैं। तो उन टूल्स को देखने के लिए सिंपली उस टूल पर आकर अपने माउस के राइट क्लिक को होल्ड कीजिए और साइड में आपको उसके अंदर ग्रुप्ड सारे टूल्स दिख जाएंगे। नाउ हम हमारे सिलेक्शन टूल को वापस सेलेक्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था कि हमारे टाइमलाइन में एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम हमारी टाइमलाइन को थोड़ा जूम इन कर लें। अब जूम इन करने के लिए या तो आप इस कर्सर पर आकर लेफ्ट की तरफ इसे ड्रैग कर सकते हैं या फिर हमें इसके लिए एक स्पेसिफिक टूल भी मिल जाता है। आप यहाँ पर आइए टूल बॉक्स में और ये हैंड टूल पर जब आप अपना राइट क्लिक करके होल्ड करोगे तो यहाँ पर आपको जूम टूल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जैसे ही आप जूम टूल पर क्लिक करोगे आप देख पाओगे कि हमारा जो कर्सर है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास में बदल गया है और उसके अंदर हमें प्लस साइन दिख रहा है। तो जैसे ही हम हमारी टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे हम हमारी टाइमलाइन पे जूम इन कर पाएंगे। नाउ जूम आउट करने के लिए आप अपने अल्ट्रा की को होल्ड कीजिए और टाइमलाइन पे आप देख पाओगे कि हमारा कर्सर चेंज हो गया है। अब आप जैसे ही टाइमलाइन पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे कि हम जूम आउट कर रहे हैं। अगेन हम जूम इन कर लेते हैं। नाउ हम हमारे सिलेक्शन टूल को वापस से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो सिलेक्शन टूल है ये हमारी टाइमलाइन में किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके कहीं भी ड्रैग करने में मदद करता है। अब किसी भी वीडियो को बनाने के लिए हम प्रीमियर प्रो के अंदर बहुत सारी वीडियोस को ट्रिम करके उन वीडियोस को मर्ज करते हैं। अब एक परफेक्ट वीडियो बनाने के लिए हमें कई क्लिप्स में से कई पार्ट्स को ट्रिम करना रहता है। अब उसके लिए हमें हेल्प करता है ये हमारा रिजर टूल। अब जैसा कि आप देख पाओगे कि हम जैसे ही हमारे रिजर टूल पे आए उसके सामने ब्रैकेट के अंदर सी लिखा हुआ है। आप किसी भी टूल पे अगर जाओगे और ये ब्रैकेट के अंदर आपको कोई अल्फाबेट दिखता है तो यह अल्फाबेट उसका शॉर्टकट की है। फॉर एग्जाम्पल हम टाइमलाइन के ऊपर आकर सी को अगर प्रेस करेंगे तो आप देख पाओगे कि हमारा जो कर्सर है वो अब रेजर टूल में बदल गया है। लेकिन हमारे जो रेजर टूल का भी कर्सर है उसके ऊपर रेड लाइन हमें शो हो रही है, जिसका मतलब है हम यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में कट नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम हमारी क्लिप पर आएंगे हम देख पाएंगे कि हमारा कर्सर चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यह वीडियो यहाँ से कट करनी है तो मैं यहाँ पर आकर अपने प्लेहेड को प्लेस करूँगा और यहाँ पे उस क्लिप के ऊपर आकर क्लिक कर दूंगा। अब आप ये देख पाओगे कि हमने इस क्लिप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब क्योंकि ये पार्ट हमें नहीं चाहिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। किसी वीडियो को ट्रिम करने का एक और तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम अंडू कर लेते हैं। अंडू करने के लिए आप कंट्रोल जेड को प्रेस कीजिए। नाउ जैसा कि हमने देखा था हम यहाँ से अपनी वीडियो को ट्रिम करना चाहते हैं। आप किसी भी वीडियो के अगर स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट पे जाओगे तो आप देख पा रहे होगे कि हमारा कर्सर चेंज हो रहा है। अब ये इसलिए चेंज हो रहा है बिकॉज हम किसी भी क्लिप के एंड से उसको ड्रैग करके छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। नाउ हम इस क्लिप को छोटा करना चाहते हैं तो हम इसे ड्रैग करके अपने प्लेहेड की तरफ ले आते हैं। अब आप ये देख पाओगे कि हमारी क्लिप ट्रिम हो गई है। नाउ हमारी क्लिप नंबर 2 को टाइमलाइन में ले आते हैं। उसके लिए भी हम उसे सोर्स मॉनिटर में ले जाएंगे और हम यहाँ पे इन पॉइंट और आउट पॉइंट बनाएंगे और हम इस वीडियो को ड्रैग करके अपने टाइमलाइन पे ले आएंगे। अब आप ये देख पाओगे कि मैंने जब इस क्लिप को टाइमलाइन पे ड्रैग किया है तो मैंने यहाँ पे इन दोनों क्लिप्स के बीच में ये एम्प्टी स्पेस को छोड़ दिया है।
अब इस एम्प्टी स्पेस को हटाने के लिए और इन दोनों क्लिप्स को मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस पर आकर राइट क्लिक कर सकते हैं और डिलीट को प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम इस एम्प्टी स्पेस पर आकर लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें रिपल डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा और उसको क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे कि हमारी दोनों क्लिप्स मर्ज हो गई है। बेसिकली रिपल डिलीट दो क्लिप्स के बीच के एम्प्टी स्पेस को हटा देता है और उन दोनों क्लिप्स को मर्ज कर देता है। नाउ रिपल डिलीट के ऑप्शन के लिए भी हमें एक टूल मिल जाता है। जब हमारे टूल बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पे हमें रिपल एडिट टूल मिलेगा, इसका शॉर्टकट की है बी। तो हम जैसे ही बी को प्रेस करेंगे टाइमलाइन पे आके, आप देख पाओगे कि हमारा कर्सर अगेन चेंज हो गया है। अब जैसे ही हम किसी भी क्लिप के स्टार्टिंग में जाकर उसे ड्रैग करेंगे तो आप ये देख पाओगे कि हमारी क्लिप का ड्यूरेशन तो स्मॉल हो गया है, लेकिन जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं हमारा जो बीच का स्पेस था वह अपने आप ही फिल हो गया है। तो रिपल एडिट टूल ये काम करता है। नाउ हम हमारी टाइमलाइन में एक और क्लिप को ले आते हैं। अब इस क्लिप को हम हमारे सेकंड ट्रैक पे डालते हैं। अब आप ये देख पाओगे कि जब मैं अपने प्लेयर को आगे ले जा रहा हूँ तो हमारी क्लिप नंबर 3 शो हो रही है, जबकि उसके नीचे जो हमारा फर्स्ट ट्रैक है वो भी एक्टिव है, लेकिन हमारी क्लिप 2 शो नहीं हो रही है। इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एनिमेशन से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो स्क्वायर ग्लासेस को लेते हैं जो कि प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट हैं, उनके ऊपर हम ए और बी को लिख देते हैं। नाउ जब हम इन दोनों ग्लासेस को एक के ऊपर एक प्लेस करेंगे तो हमें ए और बी दोनों ही अल्फाबेट्स दिखेंगे, लेकिन अगर हम इन दोनों ग्लासेस को पेंट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे एक ग्लास को रेड पेंट कर देते हैं और दूसरे ग्लास को ब्लू पेंट कर देते हैं, जैसे ही हम हमारे रेड वाले ग्लास को ब्लू ग्लास के ऊपर लाएंगे तो आप ये देख पाओगे कि हमें सिर्फ रेड कलर दिख रहा है, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट ग्लास है उसकी टॉप लेयर पे हमने रेड कलर लगा दिया है, जिस वजह से उस रेड कलर के नीचे का हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ये सिंपल फंडा है लेयर्स का, जो कि हमें प्रीमियर प्रो के अंदर और फोटोशॉप के अंदर सेम देखने को मिलता है। नाउ हम हमारी टाइमलाइन पे वापस आते हैं और ट्रैक सेलेक्ट टूल के बारे में सीखते हैं। ट्रैक सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप अपनी क्लिप 2 पर आकर इसे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि क्लिप 2 के बाद की सारी क्लिप्स हमने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन क्लिप 1 सिलेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली ट्रैक सेलेक्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप टाइमलाइन पे जिस भी क्लिप पर आकर क्लिक करोगे उसके बाद की सारी क्लिप्स सिलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम इन सभी ट्रैक्स की क्लिप को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हमारे V1 वाले ट्रैक की क्लिप्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप टाइमलाइन पे आके शिफ्ट प्रेस करने के बाद उस पर्टिकुलर ट्रैक पे क्लिक कर दीजिए जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ये देख पाओगे कि सिर्फ उस पर्टिकुलर ट्रैक की क्लिप्स ही सिलेक्ट होंगी। नाउ हमारे पास दूसरा ऑप्शन है ट्रैक सिलेक्ट बैकवर्ड टूल का, जो कि सेम है हमारे फॉरवर्ड टूल की तरह, लेकिन इसमें हम टाइमलाइन पे क्लिक करने के बाद पीछे की तरफ की क्लिप्स को सिलेक्ट करते हैं। नाउ हमारे सिलेक्शन टूल पे वापस आते हैं और इन सभी क्लिप्स को डिलीट कर देते हैं। नाउ हम हमारी एक फास्ट मोशन वाली क्लिप को इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये हम इसे टाइमलाइन पे इंपोर्ट करते हैं। नाउ हमें यहाँ पे ये रेट स्ट्रेच टूल दिख रहा है। ये टूल बेसिकली आपकी क्लिप की ड्यूरेशन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो हमारी क्लिप है, अगर मैं इसको स्लो मोशन में लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली इसके एंड पर आकर इसे ड्रैग कर दूंगा और आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारी क्लिप के नेम के बाद में हमें यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिख रही है। ये बेसिकली शो कर रहा है कि आपकी क्लिप कितने परसेंटेज की स्पीड पे चल रही है। नाउ इसको और थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। किसी क्लिप को स्लो मोशन में करने के लिए एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप उस क्लिप पे लेफ्ट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको स्पीड ड्यूरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे अपने डिजायर्ड परसेंटेज या फिर ड्यूरेशन को सेट कर सकते हैं। नाउ इस क्लिप को हम डिलीट करते हैं। नाउ हम सीखते हैं स्लिप टूल के बारे में। हम यहाँ पर आकर स्लिप टूल को सिलेक्ट करेंगे। नाउ स्लिप टूल को सिलेक्ट करने के बाद हम हमारी टाइमलाइन के ऊपर आकर हमारी क्लिप 2 पे जब ड्रैग करेंगे इस टूल को, तो आप देख पाओगे कि जो हमारे इन पॉइंट और आउट पॉइंट हैं वह चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली इस टूल की मदद से आप हमारी टाइमलाइन में उस क्लिप की ड्यूरेशन को तो सेम रखते हुए, लेकिन उसके इन पॉइंट और आउट पॉइंट को चेंज कर सकते हो। इसके लिए भी मैं आपको एनिमेशन से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर में जो शो हो रहा है बार, वो हमारी क्लिप है। नाउ इसमें से हमने जो ब्लू पार्ट है उसको कट करके हमारी टाइमलाइन पे डाला हुआ है। नाउ हम स्लिप टूल को जब टाइमलाइन पे ड्रैग करते हैं तो ये जो हमारा ब्लू पॉइंट है आगे या पीछे वीडियो में ड्रैग होता है और उतने पार्ट को हमारी टाइमलाइन पे शो करता है।
तो नाउ आई गेस कि आपको स्लिप टूल क्या होता है समझ में आ गया होगा। नाउ हम बात करते हैं स्लाइड टूल की। नाउ हम स्लाइड टूल को सिलेक्ट करते हैं और आप देख पाओगे कि क्लिप टू के ऊपर जब हम इस टूल को ड्रैग कर रहे हैं तो हमारी जो क्लिप नंबर 1 है वह बड़ी हो रही है साइज में और जो क्लिप नंबर 3 है वो छोटी हो रही है। तो बेसिकली ये टूल क्या करता है, अगर आपको किसी क्लिप के पीछे और आगे वाली क्लिप का ड्यूरेशन कम करना हो तो आप स्लाइड टूल को सिलेक्ट करके उस वीडियो को ड्रैग करके आगे या पीछे कर सकते हैं। उससे हमारी जो आगे और पीछे की दो क्लिप्स होंगी उनका ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा। नाउ हम बात करते हैं रोलिंग एडिट टूल की। ये टूल बेसिकली सेम है हमारे स्लाइड टूल की तरह, बट इस टूल की मदद से हम किसी एक क्लिप को बड़ा और दूसरी क्लिप को छोटा कर सकते हैं। हमारे पास जो अगला टूल है वो है पैन टूल, लेकिन इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में डेप्थ में समझेंगे। सो नाउ आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि प्रीमियर प्रो के अंदर टूल्स कैसे वर्क करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।